वेलकम टू जीको जीरो कॉस्ट हैक्स में आपका स्वागत है सभी फ्रेंड्स का। आज हम अपने नॉर्मल कन्वेंशनल वाइपर ब्लेड्स को फ्रेमलेस वाइपर ब्लेड्स में बदलने जा रहे हैं। मेरी गाड़ी है टाटा टैगो, उसके स्टैंडर्ड ब्लेड की लेंथ है 22 इंच और 16 इंच, तो मैंने उसी साइज़ के मार्केट से वाइपर ब्लेड का सेट ले लिया है। ये फ्रेमलेस फ्रेम को निकालने के लिए वीडियो बहुत केयरफुली देखिएगा। अपने वाइपर ब्लेड आर्म्स को आप बाहर की तरफ निकाल लीजिएगा और इसको इस तरह से दोनों उंगलियों से प्रेस कीजिएगा और इसको नीचे की तरफ पुल डाउन करना है और ये अपने आप से ब्लेड निकल के बाहर आ जाएगा। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। जैसे फिंगर की पोजीशन आपने पीछे देखी थी, ब्लेड्स के सामने मैंने रखी थी, सेम उसी पोजीशन में आपको इसको प्रेस डाउन करना है और ये वाइपर ब्लेड बड़े ईजिली निकल जाएगा। इसमें आप ज़्यादा फोर्स मत डालिएगा और जैसे पोजीशन रोला है वैसे ही रखिएगा, अदरवाइज़ ये डैमेज कर सकता है। सिमिलरली प्रोसेस से हमें अपने दूसरे वाइपर ब्लेड आर्म के वाइपर को नीचे लाना है। आप वाइपर ब्लेड को ऐसे पोजीशन में रखिएगा, दोनों फिंगर्स को आप वाइपर ब्लेड के सेंटर से साइड रखिएगा और इसको नीचे की तरफ पुल डाउन कर दीजिएगा और ये वाला हमारा सेकेंड आर्म भी वाइपर ब्लेड हमारा निकल गया है। देखिए ये बॉश OEM जो था उसमें बॉश के वाइपर ब्लेड लगे हुए थे फ्रेम वाले, जिसको हम फ्रेमलेस वाइपर से निकाल रहे हैं। ये मेरे को पूरा सेट 200 रुपये ईच ब्लेड का था, तो 400 रुपये का पड़ा और मेरे वाइपर्स काफ़ी पुराने हो गए थे, तो उसका जो परफॉर्मेंस था विंडस्क्रीन पे वो उतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको अपने फ्रेमलेस नए वाइपर ब्लेड से क्यों ना बदल दिया। ये जो नए अपने वाइपर ब्लेड हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको बड़ा इजीली हम इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए ये ऐसे इस असेंबली में आता है, इसको हमें यहाँ से अपना प्रेस करके ओपन कर देना है ताकि हमारा जो वाइपर आर्म है इसके अंदर इंसर्ट हो सके। देखिए बहुत इजीली हो जाता है, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। और उसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना प्लास्टिक की बॉडी जो अंदर है, जो अभी देखिए मूव करेगी, मैं अभी इसको प्रेस करूँगा तो इसको काफ़ी ध्यान से रखिएगा संभाल के, क्योंकि जब हम इसको इंसर्ट करेंगे अपने वाइपर ब्लेड आर्म में तो इसकी फिटिंग जैसे ही अपने ग्रूव में आ जाएगी, अपने पोजीशन में आ जाएगी, तो ये लॉक कर देता है वाइपर आर्म को, तो हमारा वाइपर आर्म अपने वाइपर ब्लेड के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो जाता है। देखिए ये आपको ऐसे लगाना है, अपने वाइपर ब्लेड के कैप को ओपन करके वाइपर ब्लेड के आर्म को इंसर्ट करना है और जो प्लास्टिक बॉडी जो मैं अभी बता रहा था मूव करती है, जो अभी पीछे आपने देखा होगा वीडियो में, उसी को इस जो कर्वेचर है ना वाइपर आर्म के ब्लेड में, उसी के अंदर इसको बिठाना है और ये जैसे ही हम इसको बिठाएंगे ये अपने आप से लॉक हो जाता है। ये थोड़ा मैं इसका व्यू दिखाने के लिए दोबारा से वीडियो का क्लिप डाल रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको कैप ओपन करनी है, वाइपर ब्लेड के आर्म में जो ये कर्वेचर वाली शेप है ना, इसको हमें यहाँ के ये अपने जो वाइपर ब्लेड के ग्रूव में इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद ही इसको ऊपर की तरफ पुश करना है और ये अपने आप से ब्लेड लॉक हो जाएगा। ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी, आराम से करना है, केयरफुल करना है। और ये देखिए ये अपनी पोजीशन में जैसे ही आ जाएगा ना, हम इसको आगे ऊपर की तरफ इसको पुश कर देंगे और ये अपने आप से लॉक हो जाएगा। अभी आपको एक क्लिक साउंड आएगी जैसे हम इसको पुश करेंगे और ये अपने आप से बता देगा कि ये अपनी पोजीशन पे आ गया और एकदम लॉक हो गया। और उसके बाद हम इसके ऊपर की जो कैप है ना उसको क्लोज़ कर देंगे ताकि ये अपनी पोजीशन पे एकदम से फिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा वाइपर ब्लेड लॉक हो गया है, अपनी पोजीशन पे आ गया। मैं इसके वाइपर ब्लेड के ऊपर जो कवर है ग्रीन कलर का उसको हटा देता हूँ। अब हम दूसरे आर्म में अपना वाइपर ब्लेड लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि वाइपर ब्लेड का साइज़ वही होना चाहिए जो कंपनी रिकमेंडेड है। कोई बड़ा या साइज़ ले आएंगे, छोटा साइज़ ले आएंगे तो उसके परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी, वो एक दूसरे ब्लेड से अपना टच भी कर सकते हैं तो वो दिक्कत करेगा। अब ये हमारा सेकंड जो वाइपर है उसको भी हम सेकंड आर्म में उसी प्रोसेस से लगाएंगे। आप देखिएगा जैसे पहले वाले ब्लेड को हमने लगाया था सेम प्रोसेस में लगाएंगे। बहुत आराम से केयरफुली लगाना है और कुछ नहीं करना, बस इसको ऊपर की तरफ पुश कर देंगे, ये अपनी पोजीशन में खुद आ जाएगा। कैप को लॉक कर देंगे
और आपको एक अपना पूरा वाइपर सेट रिप्लेसमेंट हो जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट, जिसको आप खुद करेंगे, कोई लेबर चार्ज नहीं होगा, आपको इतना फ़ायदा हो रहा है। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ज़ीरो कॉस्ट हैक्स को, आप सब्सक्राइब करेंगे तो और ऐसे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। आपको और भी अपनी गाड़ी की केयर परफॉर्मेंस रिलेटेड वीडियो देखने होंगे तो आप मेरे चैनल पर अदर वीडियोज़ को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए आप आ रहे, दोनों वाइपर ब्लेड अभी इंस्टॉल हो गए हैं और मैं आपको इसका परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। देखिए पहले ये आप देख रहे होंगे तो एक वाइट कर्वेचर सा आ रखा है, जो कि इसकी बता रहे हैं कि पुराने वाले ब्लेड में कुछ कुछ पॉइंट्स पे वो अपनी सरफेस से टच खो रहा था, बट अब ये नया वाइपर ब्लेड हमने लगाया है, अभी हम इसको देखेंगे कि वो सेम कर्व्स पे लाइन आ रही है या वो सारा वॉश आउट हो गया। अगर वॉश आउट हो गया इट्स मीन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और ये पहले वाले वाइपर ब्लेड से काफ़ी इफेक्टिव है। देखिए वो सारे कर्व्स वाइट लाइंस थी वो अब हट गई है और वाइपर ब्लेड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल।